युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 11 फरवरी 2020 दिन मंगलवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि सुबह 6:17 तक रहेगी और उसके पश्चात तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आज आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है और आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न मिलेंगे। आज आप भ्रमित होने के कारण कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि ठंडे दिमाग से काम लें। ऐसे व्यक्तियों को मैं मेडिटेशन करने की सलाह देता हूं क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आज आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वे आज आपको हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज आप किसी भी कार्य की शुरुआत से पूर्व मीठा खाएं और पानी पीकर ही उस कार्य को आरंभ करें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आप यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं तो आपको उसकी दुआएं प्राप्त होंगी और भगवान आपका घर खुशियों से भर देंगे। आज का कर्क राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय
जैसे आज कोई भी राशि का जातक कर यदि वह कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पहले तो सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करें। उसके पश्चात आप एक धागे का सूत लें, उसमें 7 गांठे लगाएं और गांठे लगाते वक्त इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम गम गणपते नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को रिपीट करने जा रहा हूं, ओम गम गणपते नमः। इसके पश्चात आप उस धागे के सूत को गणेश जी के चरणों में अर्पित करके उसे वापस उठा लें और उसके बाद अपनी जेब में रख लें और उसके बाद अपने कार्य के लिए प्रस्थान करें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ, आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। जय। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।